सो है एवरी वन वेलकम टू माई चैनल वेलकम टू माई ब्लॉग तो अभी हो गया है शाम और हम निकल गए हैं ब्लू फ्लैग बीच की तरफ तो क्योंकि मैंने आपको सुबह कहा था कि हम सुबह आए थे फिर से एक बार ब्लू फ्लैग बीच बट वहाँ पे आ, हम मैं आपको सब कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था तो हम शाम को आ चुके हैं गाइज़ आज सुबह ही इतना धूप था कि मैं जाके ज़्यादा स्विमिंग कर ली और उसके बाद मैंने ही कुछ ठंडा वंडा पी लिया था उसके ऊपर मैंने खा लिया था आइसक्रीम सो मेरा गला आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था फिर भी मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है ब्लू फ्लैग बीच का पूरा व्यू अंदर का जो कि मैं आपको नहीं दिखाई थी और हम अभी रेडी होकर निकल गए हैं यहीं पर हमने टोटो गाड़ी पकड़ लिया था टोटो गाड़ी एक ऑटो टाइप गाड़ी होता है जो कि हर तरफ से खुला रहता है मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे थोड़ा वोमिटिंग प्रॉब्लम है तो ये गाड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था क्योंकि हर तरफ से हवा आ रहा था और मैं सोबित तो और अब नीच देखिए निकल चुके हैं ब्लू फ्लैग बीच की तरफ वैसे तो हम लोगों ने स्कूटी या बाइक हायर करने का सोचा था बट मैंने मना कर दिया क्योंकि Uh, मुझे ना जाना था टोयोटा गाड़ी में और इसमें मुझे बहुत मजा आया था मैं फर्स्ट डे में ही इसमें बैठकर कर बीच गई थी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जब भी जा रही थी uh, सोभित बुला रहे थे ऑटो पर मैं बोल रही थी यही गाड़ी को मंगाओ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था और अब नहीं यहाँ बहुत अच्छे से गाना गा रहा था लेकिन मैंने उसका गाना आपको नहीं सुनाया और ये देखिए फाइनली हम पहुँच गए हैं ब्लू फ्लैग बीच ये रहा इसका एंट्रेंस यहीं पर आपको घुसते ही एक मास्टर कैंटीन मिल जाएगा मास्टर कैंटीन जहाँ पर आपको टी कॉफ़ी हर तरीके के स्नैक्स मिल जाते हैं और आइए आप चलते हैं अंदर की तरफ एज़ यूजल सुबह की तरह हमने अभी भी ले लिया था टिकट और हम कर गए थे अंदर की तरफ एंट्री यहीं पे बीच में हमने लिया था कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे अपने पर लाइटिंग कम होने के कारण थोड़ा पिक्चर्स अच्छे से नहीं आ पा रहे थे तो गाइज हम अंदर की तरफ एंट्री करते ही हमको बीच की तरफ नहीं जाना है हमको जाना है लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में ही बच्चों लोग का एक पार्क था जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगी और उसी पार्क के पास में आगे जाकर यहाँ पे कैंटीन है आपको यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको चलना है वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा जो कैंटीन है यहाँ पे तो यहाँ का जो कैंटीन का नजारा है गाइज़ आप उसको देख के लिटरली खुश होने वाले हैं बहुत ही अच्छा जगह है वो बहुत ही प्यारा मुझे तो बहुत अच्छा लगा और देखिए फाइनली हम पहुँच गए हैं कैंटीन के तरफ और ये रहा कैंटीन सोबित को मैंने आगे जाने के लिए कहा क्योंकि मैं लेना चाहती थी यहाँ का पूरा व्यू और ये देखिए इसके ठीक राइट साइड में कितने अच्छे लोटस के ट्रीज़ मतलब लोटस प्लांट लगाए गए हैं गाइज और हम अब करने वाले हैं अंदर की तरफ एंट्री एंट्री करते ही यहाँ पे बहुत सारे वेटर्स थे और एक बहुत सारा बहुत बड़ा एक तो एक्वेरियम था और उसमें वेराइटीज़ ऑफ़ फ़िशेज थे जो अबनी जाते ही, ही उसके साथ खेलने लगा उसको बहुत अच्छा लग रहा था वो जित करता था यहाँ से लेने के लिए और ये देखिए गाइज़ यहाँ का नज़ारा कैंटीन के अंदर का ये नज़ारा है गाइज बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स है बैठने के लिए सबके लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स और यहाँ देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे फोटो क्लिक्स किए पर क्या करें मैं आपको जैसे बोली थी कि यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था वैसे यहाँ पर ड्रीम लाइट्स यूज किए गए थे और उसके साथ है कि बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक यहाँ पे आ रहा था म्यूज़िक बज रहा था एकदम स्लो मोश में बहुत ही अच्छा लग रहा था वैसे तो बहुत ज़्यादा खाली खाली था ये एक प्राइवेट बीच है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खाली ही रहता है ज़्यादा रश नहीं रहता तो यहीं पे हमने कर लिया था अपने लिए एक सीट बुक और यहीं पे अबनीश अपने लिए मंगाया था फ्रेंच फ्राइज और कोला मेरे और बस मिण वो मिण खाने पीने में लग गया था और यहीं पे सोबित भी कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ले रहे थे मुझे वैसे गाइस कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा सा पी ले रही थी मैंने थोड़ा सा पी के ही सोबित को दे दिया था मुझे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पसंद और मैं बस यहाँ का व्यूज़ कैप्चर करने में लगी हुई थी वैसे तो बहुत जगह है यहाँ दिखाने के लिए बट अब थोड़ा अवनीश अब चल नहीं सकता ज़्यादा तो इसलिए हम बस थोड़ा सा ही चल के यहाँ पे बैठ के सारा जितना हम लोग कैप्चर कर पाए उतना कैप्चर किए और यहीं से कैप्चर करने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का मून लाइट क्योंकि आज है फुल मून डे और आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ का फुल मून और यहीं से हम ये सब खा के निकल चुके थे ये देखिए गाइज यहाँ का गार्डन कितना ही प्यारा है जैसे ही आप निकलेंगे यहाँ पे देखिए उसके राइट साइड में मैंने आपको दिखाया था लोटस का प्लांट और ये यह देखिए यहाँ पे पूरा मून का बहुत अच्छा मतलब ना एक रोशनी सा गिर रहा था वो ओरिजिनल लाइट है कोई लाइट यहाँ पर यूज़ नहीं है पूरा मून का लाइट है मैं आपको मून भी दिखाऊंगी जब मैं बीच के अंदर जाऊँगी तब और यहीं पर देखिए इसका पूरा व्यू कैंटीन का इतना ठंडा हवा चल रहा था कि क्या कहना वहाँ से मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा था पर मुझे जाना ज़रूरी था क्योंकि हम जाने वाले थे बीच के अंदर और जैसे ही हम यहाँ से निकले बाहर तो यहाँ पे आ जाता है प्राइवेट बीच का एक रास्ता वहीं पे जाके अबनीश बालू में खेलने लगा बहुत ही अच्छा गाइस था ये देखिए यहाँ का सीनहरी ये पूरा खाली जगह है और मैं यहाँ गई थोड़ी देर के लिए बिना चप्पल में और थोड़ा सा वहाँ पे किया रिलैक्स अबनीश तो यहाँ पे लिटरली बैठ कर खेलने ही लगा था क्योंकि उसको ये जगह बहुत अच्छा लग रहा था इतना जोरों का ठंडा ठंडा हवा आ रहा था ना गाइज़ आप यहाँ बैठेंगे और घंटों निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर आए हैं या नहीं तो अवनीश की तरह मैं ही हूँ गाइज मैं भी अंदर गई जब मुझे बहुत अच्छा लगा मैं भी यहाँ थोड़ी देर के लिए इतना टाइम स्पेंड कर रही थी सोभित को मैंने क्या था बस थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ मुझे यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ का सीन बहुत अच्छा लगा था ठीक शोभित और अवनीश के पूरा पीछे में है एकदम पानी बीच है वो और ये देखिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मैं तो खाली पाँव में बस घूमने ही लगी थी और मुझे सोबित बहुत ज़बरदस्ती करके यहाँ से ले चले बोले कि चलो यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे ताकि हम आपको फुल मन दिखा पाएंगे आज फुल मून डे है और बहुत ही रोमांटिक सा वेदर था और देखिए फाइनली हम आ चुके हैं बीच के पास तो ये बीच नहीं है जहाँ पे बैठने का है हम जा रहे हैं बीच की तरफ और यहाँ पे देखिए आज यहाँ पे रेड अलर्ट था क्योंकि मैंने आपको सुबह दिखाया था रेड फ्लैग से अलर्ट किया गया था क्योंकि पानी का जोर आज थोड़ा ज़्यादा ही था और बहुत जोरों की हवा भी चल रही थी क्योंकि पूरी में अभी ना साइक्लोन आने का बहुत ज़्यादा संभावना था तो हम सबको वहाँ पे रेड फ्लैग अलर्ट कर दिया गया था कि यहाँ से बहुत जल्दी हमको निकलना भी था तो आज हमारा फोर्थ नंबर डे है और कल फिफ्थ नंबर है कल हम फाइनली पूरी का दर्शन करने वाले हैं पूरी मंदिर श्री जगन्नाथ जी का और जगन्नाथ जी का दर्शन करके बाद ही हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर के लिए राइस और यहाँ देखिए कितना अच्छा सीन है पूरे बीच को मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखिए मैं अपने ख़ुद को आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पे शाम के टाइम में थोड़ा सा रास्ता एकदम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था हम ढूँढ रहे थे अपने लिए चेयर क्योंकि आज शाम का जो चेयर का अरेंजमेंट था वो ऑलरेडी पूरा फिलअप हो चुका था जैसे ही खाली हुआ मैं जाकर तीन टो तो चेयर कर ली बुक अपने लिए और हम जाके वहाँ पर बैठ गए थे और बैठने के बाद हम वहाँ पर जाकर बीच का मज़ा ले रहे थे वैसे गाइज बहुत सारे न यहाँ पर केकड़े क्रैप्स मतलब ना चल रहे थे तो मैं कैप्चर करना चाहिए बट ठीक से दिख नहीं रहा था और ये देखिए हम फाइनली बैठ गए हैं और हमारे पीछे का जो होटल का व्यू है वो कितना अच्छा दिख रहा था बहुत ही अच्छा दिख रहा था और यहीं पे मुझे दिखाना था आपको फुल मून तो बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा पा रही थी और फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का फुल मून व्यू ये देखिए मून और उसका पूरा एकदम रोशनी पड़ रहा था पानी के अंदर तो उसका मून का पूरा उजाला से ना मतलब मून का पूरा लाइट से पानी हो रहा था पूरा लाइट पूरा लाइट उसमें पड़ रहा था गाइस और यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी मैं सुबह से वेट की थी फुल मून का और फाइनली हम ये सब देख निकल गए थे घर के लिए और यहीं पर ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी क्योंकि सुबह भी हम एक बार आ चुके थे अभी भी एक बार आ चुके थे और कल हम गए थे कोनार घूमने के लिए तो बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी तो मैंने फ़ाइनली सुबह से कहा कि मुझे जाना है अभी रूम में और थोड़ा करना है रेस्ट तो हम निकल गए थे यहाँ से और यहाँ का ये लास्ट डे था मेरा मतलब ब्लू ब्लू फ्लैग बीच का और हम फाइनली अब जा रहे हैं घर की तरफ तो हम बस यहां से निकल ही रहे हैं इस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहीं पर ही हम बैठ गए थे फिर से टोयटा में और यहीं से हम निकल गए थे घर की तरफ अपनी रूम की तरफ और मैं बहुत खुश हो रही थी तो यहीं पे अवनीश कर था क्या मम्मी हमें से खाली आपको इसी गाड़ी में बैठना है मुझे गाड़ी बिल्कुल नहीं पसंद बट मैं क्या करूँ मैं वहाँ पे हंस के बता रही थी कि हाँ मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है जी चाह रहा था गाड़ी को लेकर घर में आ जाऊँ <laughs> तो मैं फ़ाइनली गाड़ी वहाँ से निकल गए थे हम लोग और हम जा रहे थे अपने रूम की तरफ तो गाइज़ आप मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और फाइनली हम पहुँच गए थे अपने रूम की तरफ और यहीं पर देखिए मेरा तबियत तो वैसे ही खराब होने लग रहा था तो मैं खांस रही थी और बाहर थोड़ा ठंडा सा थोड़ा ठंडा लग रहा था मुझे तो बस अब हम जाएंगे रूम में गाइस आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ जाते ही पता नहीं शायद सो ही जाऊँ तो शोभित को मैंने बोल दिया था कि अभी इसको कुछ आप खिला दो क्योंकि रूम में जाते ही हम उसको कुछ खिला पिला देंगे तो मैं बस सोने ही वाली हूँ और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें आप मुझे सपोर्ट करें मैं इसी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी और आप मुझे हमेशा आपको सपोर्ट करें बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं जा पाऊंगी आप लोग मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस जैसे ही मैं होटल रूम में एंट्री कर रही थी ना मैंने देखा यहाँ पे हॉल में मतलब और भी गेस्ट आके बैठे हैं जैसे कि वो लोग को यहाँ पे रहना है बट उन लोग को रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि सारा रूम बुक हो चुका था पर मुझे क्या करना है मुझे तो कल सुबह बस पूरी मंदिर जाके निकलना ही है एट लास्ट यहाँ से तो हम फाइनली पहुँच गए हैं अपने रूम के तरफ और यहाँ से बस मैं जा रही थी लिफ्ट पर और लिफ्ट पर जाते ही मैं पहुँच गई सीधे अपने रूम पे और बस आज के लिए गाय इतना ही तब तक के लिए स्टे स्टेट्यून मैं रहती हूँ आपसे मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में तब तक के लिए बाय